गुमला जिला के बिशनपुर प्रखंड में विकास भारती द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीणों को स्वरोजगार देने के लिए कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो देखिए, उसी से ट्रेनिंग लेकर महिला समूह द्वारा विभिन्न तरह के अचार का यहाँ पर बिक्री की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है परमेश्वर सिंह। तो इतना अचार देख रहे हैं, ये सब किससे बनाया है? सब हम लोग अपना घर में बनाते हैं, महिला समूह के साथ बिक्री हुआ। क्या क्या अचार है जिससे ज्यादातर कौन बिक्री होता है? देखिए, अचार जिसमें हर तरह का है और मोटा मोटे जैसा सीजन उस हिसाब से बिक्री होता है। आज जैसे कि आज अभी आंवला का हुआ, पीपल का, छोटा का डब्बा ये वाला आएगा 50 का, बड़ा वाला डब्बा 100 का। विकास भारती से? हाँ, तो ये महिला समूह के द्वारा बनाया गया। हाँ, महिला समूह के द्वारा बनाया। कितना लोग है इस समूह में? 13 लोग। तो जो आचार से आमदनी होता है वो समूह में रहता है? हाँ, सब समूह में रहता है। और ये जितना जैसे इसको बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए वो सब कहाँ से लाते हैं? सब आते हैं मार्केट से। मार्केट से? हाँ, मतलब ट्रेनिंग ले लिए हैं और उसी से बना के बेचते हैं? हाँ, बना के बेचते हैं। सिर्फ यहाँ सेलिंग करते हैं बिशनपुर में या फिर बाहर? मतलब ये लोग महिला सब सब बाजार वजार घूम करते हैं। बाजार वजार? हाँ, बाजार। तो बिक्री कैसा है इसका? बिक्री बढ़िया है, बिक जाता है? हाँ, बिकता है, 1200-1300-2000 तक पहुँचता है। अच्छा, बैर वाला भी अचार है, दिखाई कहाँ का? और दिखा रहा हूँ ये वाला ना। हाँ, ये वाला है, ये बैर वाला है। हाँ, बैर का अचार वाला कहाँ दिखाई? फुटकल का अचार ही है, फुटकल का, फुटकल वाला है ना। ये भी ये 100 रुपया का है? 50 रुपया का। 50 रुपया। और महुआ का लड्डू भी है ना? हाँ, महुआ का लड्डू है। ये है महुआ का लड्डू। अच्छा, ये कैसे है? ये भी बढ़िया है। मतलब कितने का है ये? 100 रुपया का। सौ रुपया का? हाँ, 100 रुपया का।